ओके, लोग चलिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। पैरों को आगे खोल लीजिए, सब लोग पैरों को आगे खोल लीजिए। और पैरें शायद सो गई होंगी, उनको ओपन करते हैं। थोड़ा झुनझुनी हो गई होगी, एक पैर मोड़ लीजिए और आगे पीछे करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। राइट लेग ऊपर नीचे। झुनझुनी अपने आप चली जाएगी वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस। ब्रीद इन एज यू टेक योर लेग अवे, ब्रीद आउट वेन यू टेक योर लेग क्लोजर। ओके, दो बार और। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दूसरा पैर, ब्रीद इन टेक इट अवे, ब्रीद आउट पैर पास में। दो बार और। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंकल को मूव कर लेंगे थोड़ा आगे पीछे, सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को थोड़ा हिला लीजिए आगे पीछे। यू कैन डू इट स्लो विथ योर ब्रेथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पूरा टोज को सामने स्ट्रेच करना है जितना हो सके, और फिर पैर के पास लाना है जितना भी हो सके। And then round and round. Opposite direction में। Okay, पैरों को वापस मोड़ लेंगे, हल्के से रखेंगे, बहुत टाइट नहीं, रिलैक्स वे में। Okay, हाथों को नमस्कार मुद्रा में। Breathe in and extend your chest out. Okay, हाथ जितना पीछे जा सकता है। And then breathe out. Breathe in and breathe out. One more time. Breathe in. और सांस छोड़िए। अभी हमको थोड़ा ऊपर करना है हाथ, ऐसे breathe in करके पीछे की तरफ। Breathe in and breathe out. तो shoulder angle पे जाएगा ऐसे और पीछे की तरफ। Okay, हाथ जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना angle पे। And breathe out. One more time. Breathe in. एंड ब्रीद आउट। अभी हाथ पीछे रख लीजिए ऐसा पीछे। ओके, ब्रीद इन करते हुए ऊपर देखिए और थोड़ा पीछे बंद करिए। एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये शोल्डर ब्लेड है ना, स्कैपुला जो बोलते हैं, उसको बिल्कुल स्क्वीज करना है पीछे। ब्रीद इन ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करिए एंड देन ब्रीद आउट। ओके, इसी पोजीशन पे, इसी पोजीशन में रहना है सबको। ब्रीद इन करते हुए थोड़ा कमर उठाना है। ब्रीद इन एंड लुक अप। और बटक मसल था ना, और लोअर बैक टाइट करिए उसको, होल्ड। वन टू थ्री एंड डाउन। गुड, वेरी गुड। अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड होल्ड, कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहिए। तो थ्री टू वन। अगर नेक में बहुत स्ट्रेन आ रहा है, जिनको सुंदरेशन जी नेक में अगर स्ट्रेन आ रहा है तो बहुत ऊपर नहीं देखना है, ठीक है। और प्रेमा जी आप भी ध्यान रखिएगा। ब्रीद इन एंड होल्ड द पॉस्चर बट कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट एंड डाउन। वेरी गुड। फ्रॉम हियर विल गो टू अ कैट पोजिशन। सब लोग कैट पोजीशन पे आ जाइए। राइट लेग बैक, ओके, एंड देन बेंड इट टुवर्ड्स योर बॉडी। ओके, होल्ड दैट पोजीशन एंड ट्राई टू कैच इट विथ योर ऑपोजिट हैंड, दूसरे हाथ से। राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड से ऐसे खींच के ऊपर रखना है। बैक हल्का बेंड होगा, स्पाइन के एक्सटेंसर्स पे आज हम वर्क कर रहे हैं। आदित्य पैर ऊपर करो बेटा। हाँ, वेरी गुड। और नीचे एक बार और। ट्राई टू फर्स्ट गेट द बैलेंस। ओके, पहले बैलेंस रखिए। बैलेंस आ जाए तो ऐसे पकड़ लीजिए और स्ट्रेच करिए लेग्स को जितना पीछे हो सकता है। एंड ब्रीद इन एंड आउट, इन एंड आउट एंड डाउन। द अदर साइड, लेफ्ट लेग बैक एंड देन बेंड। ओके, और राइट हैंड से ट्राई टू कैच योर एंकल।
फर्स्ट बैलेंस डेवलप करिए एंड देन पुल करिए. होल्ड फॉर 3, 2, 1 एंड डाउन. एक बार और बेंड एंड देन होल्ड फॉर 3, 2 एंड 1 डाउन. इसके बाद हम चाइल्ड्स पोज आएंगे. पैरों को थोड़ा दूर कर लीजिए और शोल्डर्स को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए और ऐसे बैठ जाइए और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. 3 डीप ब्रीदिंग फॉर 2 एंड 1. वापस आ जाइए सीधा नीलिंग पोजीशन में. ओके, नीलिंग पोजीशन में इस तरह दोनों घुटनों पे. जिनको घुटनों का दर्द है वो नी पैड्स या कुशन रख सकते हैं. इन दिस पोजीशन एक हाथ से राइट लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़िए. ओके, अगर नहीं हो सकता तो जस्ट ऐसे करके हल्का बैक बेंड करिए. दिस इज अ मॉडिफिकेशन. अगर हो सकता है तो दोनों हाथ ऐसे पीछे लेके जाना है. ओके, और हल्का सा ऊपर देखना है. 1, 2, 3 एंड बैक. ठीक है, अगेन पीछे हल्का सा टच करिए. 1, 2, 3 एंड बैक. एक बार और पीछे हल्का सा जाइए. 1, 2, 3 एंड इन फ्रंट. इसमें फ्रंट की थाइज मसल बर्न होगी. राइट लेग आगे, सिमिलर पोजिशन, लिटिल मॉडिफिकेशन. ओके, टोज को कर्ल रखिए, पीछे का टोज हील ऊपर रहे ताकि. राइट लेग आगे, राइट हैंड ऊपर. ओके, लेफ्ट हैंड से हील को ग्रैब कर लीजिए एंड देन गिव अ नाइस बैक बेंड एंड ब्रीद. ब्रीद 3, 2, 1 एंड देन बैक. गुड. दूसरे साइड लेफ्ट लेग. सो लेफ्ट हैंड विल गो अप एंड राइट हैंड विल कैच द हील. हील को पकड़ के हील पे रेस्ट करना है हाथ और ऊपर देखना है. जिनसे ये नहीं हो रहा है वो सिंपल ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, दिस वे. होल्ड फॉर 3, 2, 1. ऑल राइट, गुड. कम बैक टू योर कैट पोजिशन. एक डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट. यहां से विल गो इन टू इन्वर्टेड वी पर्वतासन. जस्ट थोड़ा काफ मसल्स को मोबिलाइज करेंगे हम. बैठे बैठे बहुत टाइट हो जाती है काफ मसल्स. ऐसा करिए जिसमें आपके हील पूरा जमीन पे टच हो रहा हो, अगर आप कर सकते हैं तो. फील द स्ट्रेच इन योर काफ. फिर धीरे धीरे वॉक करके स्टैंडिंग पोजिशन में आ जाएंगे. सिंपल स्टैंडिंग पोज. फोकस ऑन योर ब्रेथ. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. योगिक पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग करिए जिसमें जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है. ओके, अभी राइट लेग को ऐसे पकड़ेंगे. ठीक है, इस पोजीशन में मैं इधर से दिखाती हूँ. ओके, और ट्राई करेंगे हील को बटक से टच करने का. ओके, एंड देन लेफ्ट हैंड विल गो अप एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ बैक बेंड. और ये हील कॉन्स्टेंटली पीछे की तरफ जा रहा है. अपना एल्बो ऊपर खींचने का ट्राई करिए सो दैट ये फ्रंट ऑफ योर द थाई मसल्स है ना वो स्ट्रेच हो मैक्सिमम. ये बैठे बैठे बहुत टाइट हो जाती है. ये बैलेंस एज वेल एज गुड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है. और इसमें एक ट्रिक मूवमेंट है. क्या होता है जब हम लेग पीछे जाते हैं ना तो ये लेग बाहर की तरफ जाता है. वैसे नहीं करना है, इसको चिपका के रखना है जितना हो सके मिड लाइन पे. दैट इज जसमीत जी पैरों को अंदर रखिएगा. ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ना, दैट्स अ ट्रिक मूवमेंट. ओके, यू कैन होल्ड समथिंग एंड डू इट इफ यू लूजिंग योर बैलेंस. ठीक है, बट इसको अंदर की तरफ रखना है चिपका के, तो अच्छा क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेच आता है. ओके, द अदर साइड यू कैन स्टार्ट इन दिस पोजिशन एंड देन मैं साइड से दिखाती हूँ ऐसा एंड देन पुल इट बैक. ओके, एंड द अदर हैंड गोज अप. अगेन दिस थाई शुड नॉट गो आउट. ये ऐसे पास में चिपका रहना चाहिए. ठीक है, सो पुलिंग भी करना है पीछे और ऐसे साइड में भी चिपकाना है. ओके, एंड कीप होल्डिंग. टमी टक इन भी करिए एंड होल्ड फॉर 3, 2, 1. गुड. जस्ट शेक ऑफ योर लेग अ बिट. राइट लेग आगे
Okay, breathe in and look back. And hold for 3, 2, 1. Pivot your hands here. Right leg aage hai, right hand bhi aage hai. Theek hai, is position mein. And then right hand goes down and left hand goes up. Okay? Hold this position. And thoda ye haath na upar ki taraf hona chahiye. Saamne nahi hona chahiye. Upar ki taraf aisa. 3, 2, 1. Gently come up. We'll do the same thing on the other side. Left side. Bend your knee. Left knee. Knee or ankle ek straight line mein. Okay? नी ऐसा होना चाहिए कि आपको टोज आपका दिखना चाहिए. अगर नी इज गोइंग फॉरवर्ड देन टोज देन ये प्रॉब्लम करता है नी में. स्पेशली पीपल विद आर्थराइटिस, नी शुड नॉट बी गोइंग बियॉन्ड योर टोज. ओके, टोज के बाहर नहीं जाना चाहिए. ब्रीद इन एंड लुक अप. थोड़ा बैक बेंड ऐड करिए. कर्व करिए बैक को लिटिल बिट. होल्ड करिए फॉर 3, 2, 1. पिवट योर हैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रूम. लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट हैंड इधर सामने की तरफ. ओके, एंड देन ग्रेजुअली टिप इट एंड थोड़ा ऐसे पीछे की तरफ जाना है ताकि आपका बैक मसल्स भी एक्टिवेट हो, अपर बैक मसल्स. एंड होल्ड फॉर 3, 2, 1 एंड जेंटली कम अप. गुड, शेक ऑफ योर लेग. थोड़ा स्क्वाट वॉकिंग करेंगे हम लोग. थोड़ा कार्डियो, हार्ट को पंप करेंगे. Smile everybody. You can do a little bit of jogging if you want. Good. Sideways kariye pair aise. Keep breathing. Don't hold your breath. Saans lete rahiye. Good. Samasthiti, straight. Breathe in and breathe out. अपने हाथों में होते हुए रक्त संचार को फील करिए. कई बार फील होता है ब्लड रशिंग थ्रू योर हैंड. योगा इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, वो ध्यान डेवलप करना. हाथों को ऐसे करिए, ताड़ासन करेंगे सिंपल. ऊपर गो ऑन टोज अप और थोड़ा पीछे ऐसे बेंड करना है. एंड देन डाउन साइड से ब्रीद इन, थोड़ा हल्का पीछे बेंड करिए और ऊपर देखिए. एंड डाउन वन मोर टाइम. अभी इस पोजीशन पे ट्राई करिए आईज क्लोज करने का. ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है. आईज क्लोज करिए जस्ट फॉर अ सेकेंड. And then down. Good. Haath Indra Namaskar Mudra. Breathe in, up. And go into chair pose. Up again. Breathe in. Niche. Is bar hum puri tarah niche baithenge. And all the way down. Good. From here, we'll go into the lying position. सब लोग लेट जाइए, घुटने मुड़े हुए होने चाहिए और heels should be close to your buttock. Okay? Body के close होना चाहिए heels. Comfortably close. बहुत ज्यादा भी tight feel नहीं करना है. Everybody can see and hear me just with your thumbs up. Yeah? Good. Okay. अभी इसमें क्या करना है, जस्ट पुट योर हैंड हियर सो दैट यू कैन फील योर बटक मसल्स. उसको टाइट स्क्वीज करना है, होल्ड करना है और टमी को भी टक इन करना है यहाँ से. सो दीज आर टू ऑपोजिट ग्रुप्स ऑफ मसल्स जो साथ में काम करते हैं हमारे पेल्विक बोन को स्टेबलाइज करने के लिए. होल्ड इट टाइट एंड कीप ब्रीदिंग. सांस लेते रहिए, सांस नहीं रोकना है. और अपने लोअर एक्सट्रीमिटी को फील करिए, लोअर बैक एंड लोअर एक्सट्रीमिटी. एक और लंबी गहरी सांस, फिर नीचे लेके आएंगे. एक बार और अप, गो अप. बटक मसल्स टाइट करिए और अपने एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करिए. पेट की मांसपेशियों को टाइट करिए बिल्कुल. और होल्ड 3, 2,
वन। इस बार हम थोड़ा उठाएंगे, ज्यादा उठाएंगे नहीं, हाफ द वे में भी। ओके, उतना जोर नहीं लगाना है इस बार। थर्ड टाइम इसमें एक मूवमेंट ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है? जस्ट ऐसे वॉकिंग शुरू करिए, वन टू। यहाँ पे हाथ रखिए ताकि ये नीचे नहीं गिरे आपका बटक्स, ओके? कमर नीचे नहीं जानी चाहिए। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एंड डाउन एंड हग योर नीज टुगेदर। ऐसे पास में ले लीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अ डीप ब्रेथ आउट। टेक योर नीज टू वन साइड एंड देन कम ऑन योर टमी। ऐसे आ जाइए टमी पे, ठीक है? सब लोग अपने टमी पे आ जाइए, बिल्कुल भी फेस डाउन। ये मकर आसन में रहेंगे हम लोग, दिस इज मकर आसन, सिंपल पोज एंड होल्ड एंड ब्रीद। लेग्स बिल्कुल रिलैक्स्ड, ओके? अभी ऐसे आ जाइए इस पोजिशन में, दिस इज अ नाइस रिलैक्सिंग पोज। अभी क्या करना है, राइट हैंड लेके राइट लेग को पकड़ना है और इसको होल्ड करना है। होल्ड इट टाइट, होल्ड इट टाइट, फील द स्ट्रेच। सर जो है इस हाथ पे रेस्ट करिए, बिल्कुल भी फोकस ओनली जो फ्रंट ऑफ योर थाई है ना, थाई के सामने वाले पोर्शन पे स्ट्रेच फील करिए। जितना पुल करेंगे उतना स्ट्रेच आएगा। और ब्रीथ करिए डीप, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। जिसका हील टच नहीं करता बटक में वो ट्राई करेगा जितना पुल कर सकते हैं कंफर्टेबली। शार्प पेन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंफर्टेबल स्ट्रेच पेन। अभी दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड टू द लेफ्ट एंकल, बाएं साइड में करेंगे वही मूवमेंट और सर बिल्कुल नीचे रखेंगे। फोकस क्वाड्रिसेप्स मसल पे, अपने थाई के सामने वाले मसल पे, पैरों के सामने वाले। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ढीला छोड़ दीजिए पैरों को। भुजंग आसन का बेसिक आसन करेंगे, सो हाथ यहाँ शोल्डर के नीचे, पैर रिलैक्स पोजिशन में। सांस लेते हुए यू जस्ट फील योर चेस्ट अप, होल्ड एंड ब्रीद। एल्बोस पास में रहेगा, एल्बो ऐसे नहीं जाएगा, एल्बो पास में रहेगा एंड देन गो डाउन ग्रेजुअली। दो बार और ब्रीद इन, जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे एंड डाउन। इस बार उठाएंगे हम और राइट साइड देखेंगे टर्न करके अपने पैरों को एंड होल्ड करेंगे, वन टू थ्री एंड डाउन। एक बार और उठेंगे, सीधा सांस लेंगे और लेफ्ट साइड इस बार देखेंगे अपने पैरों को, लेफ्ट साइड से एक दो तीन नीचे, गुड। हाथ रिलैक्स छोड़ देंगे साइड में ऐसे इस पोजीशन में, ठीक है? ब्रीथ करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। नेक्स्ट सांस के साथ अभी हम सिर्फ अपने हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे और हल्का सा अपर बैक, हल्का सा बिल्कुल, और नीचे जाएंगे। सर एक साइड कर लीजिए कंफर्टेबल पोजीशन के लिए। फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर ऐसे उठाएंगे और नीचे जाएंगे। एक बार और अप एंड देन डाउन। अभी हमारा पोज धनुरासन, अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो सिंपल बस पैर मोड़ करके रखना है। दोनों पैर पकड़ लेंगे, पैरों को ऊपर पुल करेंगे और शरीर को ऊपर पुल करके धनुरासन में ऐसे आना है और फिर नीचे। एक बार और ब्रीद इन एंड जस्ट लिफ्ट योर बॉडी अप बोथ साइड्स एंड देन रिलैक्स। एक पैर मोड़ लीजिए और जस्ट स्टे विथ योर ब्रेथ इन दिस पोजिशन और अपने बैक को फील करिए। ब्रीद इन
दो बार और गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए इस पोजीशन में. जस्ट स्टे इन अ रिलैक्स पोजीशन, एक पैर बेंड करके. एंड देन ग्रेजुअली टर्न टू वन साइड. पैर सीधा कर लीजिए, हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे. ब्रीथ इन एंड से. बॉडी को पूरा स्ट्रेच करिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेग्स को एक साइड में, हाथों को दूसरे साइड में, कमर को थोड़ा आर्च करेंगे. ब्रीथ इन, एक बार और ब्रीथ इन, और हाथों को साइड में रख लीजिए.